नमस्कार दोस्तों, महिला आईपीएल को लेकर बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने दिया है बड़ा बयान। दोस्तों इस तारीख से हो सकता है महिला आईपीएल की शुरुआत। दोस्तों उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा, लेकिन आप महिलाओं की आईपीएल को पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब दोस्तों बात करते हैं कि बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने रविवार को कहा कि महिला आईपीएल या चैलेंजर सीरीज के आयोजन की पूरी योजना है। गांगुली के इस बयान से पिछले कुछ समय से महिला आईपीएल को लेकर चल रही अटकलों का दौर भी समाप्त हो गया है। भारत में कोविड 19 महामारी के कारण पुरुषों का आईपीएल 19 सितंबर से 8 नवंबर या 10 फाइनल की तारीख अभी तय नहीं है, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में आयोजित किया जाएगा। बीसीसीआई अध्यक्ष अनुसार महिला आईपीएल भी इसी कार्यक्रम में फिट होगा। गांगुली ने रविवार को आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक के बाद पीटीआई से बात करते हुए कहा कि मैं इस बात की पुष्टि कर सकता हूँ कि महिला आईपीएल का भी आयोजन होगा और हमारे पास राष्ट्रीय टीम के लिए भी एक योजना है। बीसीसीआई के एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि महिला चैलेंजर पिछले साल की तरह आईपीएल के अंतिम चरण के दौरान आयोजित किया जाएगा। सूत्र ने कहा कि महिला चैलेंजर सीरीज के 1 नवंबर से 10 नवंबर के बीच आयोजित होने की संभावना है और इससे पहले एक कैंप भी लग सकता है। पूर्व भारतीय कप्तान ने यह भी कहा था कि केंद्रीय अनुबंधित महिला खिलाड़ियों के लिए एक कैंप भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश के मौजूदा महामारी स्थिति के कारण देरी हो गई है। और गांगुली ने कहा कि हम अपने किसी भी क्रिकेट को स्वास्थ्य जोखिम में नहीं डालेंगे, फिर वह चाहे पुरुष हो या महिला क्रिकेटर, यह खतरनाक हो सकता है। उन्होंने कहा कि कोविड 19 के कारण राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी भी बंद रहेगी, लेकिन हमारे पास योजना है और आपसे कह सकता हूँ कि महिला टीम के लिए शिविर का आयोजन होगा। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसी क्रिकेट जगत की खबरें लेकर आता रहता हूँ।